हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो वेलकम। आई होप आपको जो सारी वीडियोस है रिलेटेड टू स्टडी, जॉब्स एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग अराउंड यूरोप वो हेल्पफुल होगी। और टाइटल देख के तो आपको पता ही लग गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। एंड वीडियो शुरू होते ही पीछे आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही है। तो यस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जर्मनी में आप कार कैसे खरीद सकते हो। एक्चुअली ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक था, तो फाइनली वो दिन आ गया है जो मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन ही शेयर नहीं करने वाली हूँ, आपको शोरूम के अंदर जाके मैं दिखाने वाली हूँ कि क्या होती है यहाँ पे कार की प्राइजेस, यूज्ड कार एज वेल एज न्यू ब्रांड न्यू कार्स। तो आगे तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि ना वीडियो के एंड में एक सरप्राइज भी है। तो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि यहाँ पे आप कार कैसे खरीद सकते हो। अच्छा, बट कार खरीदने से पहले एक आइडिया बस देके रखती हूँ कि यहाँ पे कौन से कार के ब्रांड्स अवेलेबल है। वैसे तो यहाँ पे सारी कार्स मिल जाती है, बट यहाँ पे बहुत कॉमन है कि लोग ऑडी, BMW, मर्सिडीज, फोक्सवैगन, ये जो चार पांच मेन ब्रांड्स है इसकी कार्स आपको बहुत दिखेगी जर्मनी में। मतलब इनफैक्ट जब आप पहली बार आओगे, आप रोड्स पे निकलोगे, आपको लगेगा कि अरे ये BMW X5, ये 5ER, मतलब यू नो यू वुड बी लाइक कि BMW ऑडी तो एकदम ऐसे नॉर्मल लगेगी, क्योंकि ये जर्मन ब्रांड की कार्स है। और यहाँ पे बस उनके हाई एंड कार्स ही नहीं, उनके जो लो बजट या फिर मीडियम बजट वाली जो कार्स है उनके भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसलिए यहाँ पे आपको बहुत कॉमनली BMW, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि BMW ये इंग्लिश में बोलते हैं, BMW जर्मन में बोलते हैं। और ये वीडियो हम रिलेटेड टू इंग्लिश वर्ब, इंग्लिश टर्म्स यूज करने वाले हैं, सो आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड BMW इंस्टेड ऑफ BMW, ठीक है। ये उनके लिए जो आके कमेंट करेंगे कि अरे BMW बोलना होता है, तुम्हें प्रोनाउंस नहीं करने आता, तो सब पता है, बट लेट्स यूज सम टर्म्स जो कॉमन है। और इन कार के अलावा भी यहाँ पे अदर कार ब्रांड्स भी है, जैसे कि ओपेल, किया, हुंडई, होंडा, बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। तो कार की यहाँ पे कोई ऐसे स्पेसिफिक ब्रांड्स लिमिटेड ही ऐसे नहीं दिखेंगे आपको। इनफैक्ट रेंज रोवर से लेके फरारी, मसराटी, ये भी हाई एंड कार के ब्रांड्स दिखेंगे। और आपने शुरुआत में ही सोचा होगा कि मैंने बोला कि यहाँ पे यूज कार भी मैं दिखाऊंगी और फिर न्यू कार के भी ऑप्शंस दिखाऊंगी। तो यस, एक इंपॉर्टेंट चीज जानना ये भी जरूरी है कि यहाँ पे यूज कार बाय करना बहुत नॉर्मल चीज है। रीजन बींग कि जो यूज कार होती है वो वेरी वेल मेंटेन्ड होती है, उनका इंस्पेक्शन होता है, उनकी सर्विसिंग होती है, तो जो कार की कंडीशन है ना बहुत अच्छी होती है, और इसलिए आपको वो बहुत अच्छे कंडीशन में मिल जाती है। इसलिए भी बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो कार्स ले। एंड जो लोग इवन कार खरीदते हैं वो इधर 2 इयर्स 3 इयर्स उसके बाद वो चेंज करते हैं, इसलिए ये नई नई कार होती है, ज़्यादा किलोमीटर भी नहीं चली रहती है। तो मतलब अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हो कितनी किलोमीटर चली है क्या है, बट इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल कार की कंडीशन जो है बहुत अच्छी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो रोड्स है, आपने जर्मन की ऑटोबान मतलब हाईवेज के बारे में सुना होगा, इतनी अच्छी रोड है तो उसकी वजह से गाड़ी का जो वेयर एंड टेयर है ना वो भी मतलब अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे गाड़ी एकदम भीड़ भाड़ में कहीं पे घिस गई या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई या कहीं एक्सीडेंट हो गया, ऐसे भी गाड़ियों को प्रॉब्लम नहीं होते, तो गाड़ी की कंडीशन भी बहुत अच्छी होती है। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गाड़ियों की अवेलेबिलिटी। यस, आपको जो यूज्ड कार है वो बहुत जल्दी अवेलेबल मिल जाएगी कंपेयर टू द न्यू कार। वो क्यों है, क्या है, आपको आगे जाके जब मैं नई गाड़ियाँ दिखाऊंगी वो आप जब देखोगे तब आपको पता ही लग जाएगा कि मैं क्यों कहती हूँ कि यूज कार इतनी इजीली अवेलेबल है एंड इंस्टेड ऑफ न्यू कार्स। सो इवन दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि लोग यूज कार प्रेफर करते हैं। अभी जानना ये ज़रूरी है कि ये कार्स आप कहाँ पर खरीद सकते हो, या फिर आपको ये आइडिया तो पता लग जाएगी कि ये कहाँ पर मिलती है, कितने की मिलती है। तो देखो ऑनलाइन भी ऑप्शन है, यहाँ पर मैं लिंक में बता दूंगी, मेंशन कर दूंगी वो लिंक, वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। बट वो फिर डीलर्स के पास आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसकी गाड़ी मतलब किस स्टेट में है, कितने किलोमीटर चली है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपने चेक करना होगा कि किस कंडीशन में कार है। बेस्ट ऑप्शन है कि जो यहाँ पे कार डीलर के शोरूम होते हैं, जो ऑथराइज शोरूम है, वहीं पे अगर आप चेक करोगे तो और आपको भरोसा होगा कि हाँ इनकी कंडीशन अच्छी है, और उनके पास वो सर्टिफिकेट भी होता है, हाउ इज़ द कंडीशन ऑफ द कार, कब लास्ट उसको सर्विसिंग कराई थी, किस स्टेट में है, तो वो भी सारी श्योरिटी आपको मिल जाती है इफ़ यू बाय फ्रॉम अ ऑथराइज डीलर, स्पेशली जो शोरूम में होते हैं। और अभी मैं ले चल रही हूँ आपको BMW शोरूम के अंदर, और अंदर जाके देखेंगे हम कि कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं BMW शोरूम में, स्पेशली यूज कार के लिए, एंड न्यू कार के लिए भी क्या ऑप्शंस है वो भी पता लगेगा आपको। और अगर आप कार लवर हो ना तो आई वुड से ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जब न्यू कार्स आने वाली है तब आपके लिए एक सरप्राइज भी है। तो लेट्स गो इनसाइड। Thank you.
और यहाँ से शुरू होती है सारी यूज्ड कार, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कार्स आपको मिल जाएगी जो भी BMW की है। कौन सी कार्स है वो तो आपको आगे जाके पता ही लग जाएगा, बट पीछे जो है ना, ये देखो पास आके दिखाती हूँ, ये है BMW की i8 कूप और इसकी प्राइस है 98,980 यूरोज़। और यहाँ पे देखोगे 2019 की है ये, और इसके 36,533 किलोमीटर्स हो चुके हैं। तो ये सेकेंड हैंड अभी यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे ऐसे और भी ऑप्शंस है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे यूज़ कार का ऑलमोस्ट 3 फ्लोर्स है यूज़ कार्स के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये प्रीमियम सिलेक्शन है, और गेब्राउट वागन मतलब सेकेंड हैंड कार्स को गेब्राउट वागन कहते हैं। और पीछे का जो सेक्शन है यहाँ पे और भी कार्स है, और ऊपर भी, और BMW X3, X5 ये सारे ऑप्शंस है, 2ER, 5ER ये भी सारे ऑप्शंस है। तो क्विकली मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाती हूँ, लेट्स गो। BMW 118i, और ये 2021 की है देखो, और इसकी प्राइस है 27,613। ऐसे और भी कार्स है 118d, तो ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है 24,980, और ये कौन सी 2019 की है। प्लस कुछ और कार्स है यहाँ पे, ये भी है लाइन में, एंड ये 118i है। तो यहाँ पे ये सारी कार्स है 2731, ये कौन सी ईयर की है, 21 की है, अप्रैल 21 की BMW 118d कुछ 31,980 में आएगी, एंड इट लुक्स लाइक दिस। तो ये तो है सारा BMW 118i एंड 120d, ये सारे कार्स का सेक्शन। और आपने देखा होगा, मतलब जैसे ये वाली कार है 21 की है, और इसकी प्राइस है कुछ अराउंड 29,759। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे सारी कार्स महंगी है, जैसे अगर आप 2 साल पुरानी लोगे तो 2019 की यहाँ पे जो BMW 118i है उसकी प्राइस है 19,980, मतलब ऑलमोस्ट 20,000। तो ये 20,000 से 30,000 में आपको 118i या फिर 120d ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी। बट इसके बाद यहाँ से शुरू होता है पीछे BMW X1 का सेक्शन, और X1 की अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूँ तो BMW X1 जो कि 2019 की है, दैट इज़ समवेयर अराउंड 31,980। तो यहाँ पे ये आगे सारी BMW X1 खड़ी हुई है, इनके अलग अलग प्राइस रेंज है, और कुछ कार्स यहाँ पे ओपन भी है, मतलब आप अंदर बैठ के क्विकली चेक कर सकते हो कि आपको फीचर्स पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और वैसे यहाँ पे लोग भी होते हैं जो हेल्प करेंगे। तो ये कुछ दिखती है ऐसे यहाँ पे BMW X1 जो यहाँ पे मिल रही है, ये देखो। तो समवेयर अराउंड 2019 की 20 की आप कार लेते हो BMW X1, तो उसकी प्राइस है समवेयर अराउंड 29,000 से 33,000 यूरो, बिकॉज ये है कौन सी ईयर की, 2020 की है ये, दिसंबर 2020, 25,433 किलोमीटर्स, और इसकी है कुछ प्राइस 32,690। और अब भी ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले सेक्शन में है सारी X3, X5 एंड ऑल्सो मिनी कूपर, सो लेट्स गो देयर। और ये मैं आ चुकी हूँ दूसरे फ्लोर पे, एंड लुक एट द कार्स बिहाइंड मी, ये पूरा पीछे तक सारी कार्स है, एंड यहाँ पे आगे कंप्लीट जो पूरा स्ट्रेच है मेरे पीछे तक, एंड दीज आर द ओनली यूज्ड कार्स। न्यू कार सेक्शन में तो अभी जाना है, वहाँ पे भी आप देख सकोगे, वहाँ पे इतनी सारी कार्स के ऑप्शंस नहीं होंगे, बट यूज्ड कार के ये कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पे देखते हैं क्विकली कौन सी कार्स है। और ये पीछे रखी हुई है सारी BMW X2 जिनकी प्राइस रेंज समवेयर अराउंड 30,000 से 37,000 यूरो की रेंज में है, डिपेंडिंग ऑन किलोमीटर एंड 2019, 2020 या 21 में बाय करी है। बट सबसे ज़्यादा जो मज़ा आपको आने वाला है देखने में वो है वो कार्स जो एग्जैक्टली मेरे सामने रखी हुई है, एंड दोज आर द कन्वर्टेबल कार्स। सो लेट मी क्विकली शो यू ये फैंसी कार्स कितनी महंगी होती है। और ये जो Z4 है ये बस चली है कुछ ऑलमोस्ट 5,000 किलोमीटर, और इसकी प्राइस है 54,480, और ये कौन सी 2019 जुलाई मॉडल है, एंड ये है Z4 M40i और 2021 जुलाई की है, और कुछ चली है 4900
एंड प्राइस है 66480, और ये भी Z4 ही है। इसकी प्राइस 50,000 के आसपास है और ये कुछ चली है 17,500 किलोमीटर एंड 2019 की है। एंड दिस इज़ BMW 21 8D ग्रैन जो कि 35480 की है, और ये है 21 8D कैब्रियो जो कि 22,000 में है, और ये कौन सा 2018 का मॉडल है एंड चली है कुछ 1 लाख किलोमीटर। और ये है BMW की M5 लिमोजीन 2018 मॉडल है। लुक एट द प्राइस 76,980, 81,000 किलोमीटर्स इसके चले हुए हैं। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू M5, और ये देखो क्या कार है यार, लुक एट इट। एंड हियर यू कैन सी M5 जो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ब्यूटिफुल। और यहाँ पे है सारी BMW की X3 कार्स, और X3 की अगर मैं आपको एक रेंज बताऊँ तो दैट इज़ समवेयर अराउंड 48,000 यूरो से ऑलमोस्ट 65,000 यूरो। अगर लेटेस्ट वाली देखोगे तो वो हायर एंड पे आ जाएगी, बट वही है जितनी पुरानी और कितना किलोमीटर ये करी है उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होगी। अगर ये मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो ये जून 2021 की है एंड ऑलमोस्ट बस 9,500 किलोमीटर चली है, और इसकी प्राइस है 52,480। बट ये है कि इसमें सनरूफ जो पनोरामा है वो नहीं है, तो डिपेंडिंग आपको गाड़ी में क्या क्या फीचर्स चाहिए वो है नहीं है। अगर आप पैनोरामा जिससे वो आपको पूरा ऊपर का आसमान दिखेगा वो अगर है तो वो एक आगे कार रखी हुई है इन्होंने X3 की, और उसकी कीमत है 60,000 यूरो। और ये है M850i एक्स ड्राइव, कितनी प्यारी लग रही है ये, जस्ट लुक एट द कलर, मतलब रियलिटी में दिस इज़ अनबिलीवेबल। और इसकी कीमत है ऑलमोस्ट 85,000 यूरो। आपने देख ही लिया होगा क्यूट क्यूट कार्स के सेक्शन में मैं आ गई हूँ। ये वाली कितनी क्यूट कार है, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर ऐसे है, उसके जो दोनों साइड मिरर्स भी है ऐसे क्यूट लग रही है, और सारी यहाँ पे मिनी कूपर ही है, और मिनी 1D मिनी कूपर ऐसे ही ऐसे ऐसे अलग अलग नाम है। बट सब पे जो प्राइस है, ये 2020 और 2021 मॉडल है, सबके प्राइस है समवेयर अराउंड 28 से 31,000 यूरो में। आपको ये क्यूट सी छोटी सी मिनी कूपर भी मिल जाएगी। और यूज कार या फिर गिबराउट वागन जो है सेकेंड हैंड कार्स, उसकी प्राइस रेंज क्या है वो तो आपने चेक कर लिया। और अभी मैं आई हूँ न्यू कार के सेक्शन में, और न्यू कार्स की कुछ यहाँ पे ऑप्शंस है, सारी नहीं है बट एंट्रेंस पे ही यहाँ पे कुछ नई नई कार्स रखी हुई है एम स्पोर्ट वर्जन की भी, एंड उनकी सारी प्राइजेस मैं आपको बताऊंगी। बट कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए अगर आप न्यू कार खरीदने के बारे में सोच रहे हो जर्मनी में। तो बेस्ट चीज़ मेरे को लगती है यहाँ पे कि ये जो BMW ब्रांड है या फिर ऑडी या फिर मर्सिडीज़, इनके यहाँ पे जब आप कार नई खरीदने जाते हो तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप आपकी पूरी पूरी कार कॉन्फ़िगर करा सकते हो आपके पसंद के हिसाब से। नॉट ओनली द कलर, कलर तो यहाँ पे बहुत नॉर्मल चीज़ है, कलर के अलावा इंटीरियर आपको कैसे चाहिए, एक्सटीरियर में कैसे आपकी कार को, मतलब यू नो हाउ इट शुड लुक लाइक, उसके टायर्स कौन से होने चाहिए, अंदर का अगर सीट है तो वो कौन से लेदर का होना चाहिए, मटीरियल कैसा होना चाहिए या फिर एम स्पोर्ट चाहिए, मतलब ये पैकेजेस भी आते हैं। तो पूरा आप यहाँ पे जो BMW एम्प्लॉयज़ है उनके साथ अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे पूरी आपकी कार कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये तो हुई बेस्ट चीज़। बट एक ड्रॉबैक है इसका कि जब आप नई कार खरीदते हो ना तो ऐसे होता है कि इंतहा हो गई इंतज़ार की क्योंकि लिटरली यहाँ पे मिनिमम जो वेटिंग टाइम है ना वो 3 मंथ से मैक्सिमम आपको एक एक डेढ़ डेढ़ साल रुकना पड़ता है। एंड नाउ विद द करंट ऑन गोइंग वॉर सिचुएशन और ये सारा जो यूरोप में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके वजह से पिछले 2-3 महीनों में स्पेशली अराउंड मई जून के आसपास से ही जो कार डिलीवरी है वो और भी टाइम ले रही है, एस्टिमेटेड टाइम से भी ज़्यादा और 2-3 महीने लग रहे हैं। तो ये चीज़ आपको प्रिपेयर, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर कि अगर नई कार खरीदनी है तो उसके लिए तो टाइम लग सकता है उसकी डिलीवरी तक। एंड ये काइंड ऑफ एक ड्रॉबैक है उन लोगों के लिए, वो लोग समझते हैं जिनको जल्दी इमिडिएटली कार चाहिए या जिनके बच्चे हैं और उनको बड़ी कार में स्विच करना है तो उनको इतना ज़्यादा वेट पीरियड नहीं कर सकते वो, तो उसके लिए अच्छा है कि वो लोग सेकेंड हैंड कार के लिए जाते हैं जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। अदरवाइज न्यू कार्स का बस एक ही चीज़ है कि आपको रुकना पड़ता है ज़्यादा टाइम के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग, तो आप सोचोगे कि यार मतलब जो यूज्ड कार्स दिखाई है मैंने वो आपको लगा होगा कि ये इतनी एक्सपेंसिव है, तो न्यू कार्स का भी क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो देखो यूज्ड कार हो या फिर न्यू कार
कार्ड हो, फाइनेंसिंग की यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। एंड आई वुड से कि अगर आपके पास पीआर होगी देन इट वुड बी मोर इजियर फॉर यू। पीआर के साथ आपको फाइनेंसिंग ईजिली मिल जाएगा एंड अच्छे ऑफर्स भी मिल सकते हैं आपको। एंड वन मोर थिंग अबाउट न्यू कार इज कि अगर आपको न्यू कार लेनी है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा अमाउंट फाइनेंसिंग करना पड़ेगा। एक दूसरा ऑप्शन होता है एंड दैट इज लीजिंग। तो लीजिंग भी यहाँ पे बहुत कॉमन है कि आप 2 या 3 साल के लिए कार लीज करो और जितनी प्राइस पे करनी होती है बस उसी अमाउंट की पे करो एंड देन यू गिव बैक द कार, और फिर उसके बाद आप बाय आउट कर सकते हो जो डिफरेंस है वो अमाउंट, या फिर यू कैन जस्ट प्रेफर टू रिटर्न इट एंड मे बी आप कहीं दूसरी कार ले सकते हो। तो ये भी ऑप्शंस है, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत है, रेंजेस भी बहुत है कार खरीदने के लिए। और ये तो बस हाई एंड कार्स के मैं ऑप्शंस बता रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत है जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। ओके सो नाउ लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, क्विकली यहाँ पे मैं बाहर जाने से पहले आपको न्यू कार की प्राइसेस दिखाती हूँ, लेट्स गो। और ये जो कार अभी आपने देखी ये है 320e टोरिंग और इसकी प्राइस है 70.35 है। और यहाँ पे और आपको ये जो टेक्निकल डिटेल्स है ये और दिख जाएंगे। और ये है X3 और ये है X330D एम स्पोर्ट, और एम स्पोर्ट मतलब पता है वैसे ही प्राइस महंगी हो जाती है। और इसकी कीमत है कुछ 82,500 यूरो। और ये है BMW iX, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ज़माना है और ये है एक इलेक्ट्रिक कार। और थोड़ा अंदर से देखो इसके फीचर्स, मतलब ऐसी तो मैंने कार यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखी थी। लुक एट दीज डिटेल्स, मतलब आपने कभी ये सोचा था ये ऐसे कार को इस तरीके के बटन्स है? और अगर आप और अंदर आ जाओगे इंटीरियर देखने के लिए, लुक एट दिस, ये एंड सामने स्क्रीन देखो, इतनी बड़ी स्क्रीन, लाइक कैन यू इमेजिन? एंड लुक एट दीज बटन्स, टेक अ क्लोजर लुक एंड इफ यू सी इट लाइक दिस अंदर से, वाओ। ऊपर देखो, और ये है M850i, आई मीन दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैं यहाँ पे अंदर बैठी थी अभी, पूरी एकदम ग्रे फिनिश के साथ मैट फिनिश लग रही है, और अंदर से उसके डिटेल्स देखो, इतने छोटे छोटे ब्यूटीफुल डिटेल्स है राइट से, मतलब उसका जो पैनल देखो, उसके ऊपर जो डिटेलिंग एंड सीट्स तो इतनी कंफर्टेबल है। एक्चुअली ये 4 सीटर है, पीछे भी दो लोग बैठ सकते हैं, जस्ट लुक एट इट। हालांकि पता भी नहीं चलेगा लोग बैठे हैं क्योंकि इसके 2 ही दरवाजे हैं एंड सीट्स तो ऐसे है कि लगता है कि लाउंज में बैठे हो आप ऐसे पीछे। और प्राइस जाननी है कितनी है, तो प्राइस इसकी अनबिलीवेबल है 1,60,000 यूरो, जस्ट इमेजिन। और यहाँ पे कुछ और नई कार्स रखी हुई है, तो ये क्विकली इनको देखते हैं। ये है BMW 1ER और इसकी प्राइस है देखो 48,195। एंड लेफ्ट साइड पे देख रहे हो BMW 3ER लिमोजिन एंड 330D लिमोजिन और इसकी प्राइस है 77,434। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगी मेरे को, BMW की Z4 रोडस्टर है, इसकी प्राइस कुछ 61,514 यूरो है। एंड लुक एट इट, मोर डिटेल्स राइट फ्रॉम द व्हील्स, और ये कन्वर्टेबल है तो क्या लग रही है यार, ब्यूटीफुल। X2 की कीमत है 54,000 यूरो और पीछे आई थिंक ये है X5, यस। और X5 जो नई X5 है इसकी प्राइस BMW शोरूम में है 98,628। और ये है X4 M कॉम्पिटिशन, नई की नई गाड़ी है 1,20,000 यूरो की। एंड ठीक है X4 देख ली हमने, बट अभी जिनको बाइक्स में इंटरेस्ट है और जिनको BMW की बाइक्स अच्छी लगती है उनके लिए एक सरप्राइज है, लुक एट दिस। ये है BMW की 1000RR और इसकी प्राइस बताती हूँ मैं, आप गेस करो कितनी होगी और मैं बता देती हूँ एंड में। चलो ठीक है बता देती हूँ, इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 40,000 यूरो। तो दिस इज़ द प्राइस इफ़ यू वांट टू बाय अ बाइक। और एक्चुअली अगर आपको बाइक का शोरूम देखना है कि यहाँ पे BMW की जो बाइक्स है कौन सी वेराइटी है और उसकी क्या क्या प्राइस है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप जानना चाहते हो कि बाइक की प्राइसेस क्या है, तो मुझे कॉमेंट्स में मैंशन करना, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी बनाऊंगी। तो ये रही एक वीडियो जहाँ पे मैंने आपको ट्राई किया है सारी जो गाड़ियाँ है वो दिखाऊँ BMW की। ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी, हमेशा मुझे बहुत सारे DM आते थे कि हमें अंदर से गाड़ियों का शोरूम कैसे होता है, क्या क्या प्राइजेस होती है गाड़ी की वो दिखाओ। तो बस यही कवर करना था इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपके कोई सवाल होंगे तो मुझे यहाँ पे कॉमेंट्स में मैंशन करना, और अगर कोई आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊँ अबाउट द BMW बाइक्स या फिर दूसरी गाड़ियों के बारे में, तो वो भी मैंशन करना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक।
टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना जिनको गाड़ियां पसंद है, आई होप उनको भी देख के बड़ा मजा आएगा, और सब्सक्राइब करना अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। एंड अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अंटिल देन, ऑफ यू डज इन।